साल तो ते मैं रब दी रहमत दे तलबगार रोने आ अज रब दी रहमत मिल जाए अज रब दा करम मिल जाए अज रब दा फजल मिल जाए लेकिन जदों 15 शाबान दी रात आ जांदी है ए उस दिन रब दी रहमत तैनु मैनू तलाश करदी है कि मेरे बंदे आ जान मेरे बंदे मेरे कोल सवाल करें मैं अपनी रहमत दा दरूद फरमा दियां। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने मुजद्दुल मजालिस के अंदर नकल फरमाया है आप फरमाने ने हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम अल्लाह के लाडले पैगंबर आप पहाड़ों के अंदर पे गुजरते हैं पहाड़ अल्लाह के करिश्मे नजर आते हैं अल्लाह के कुदरत के नज़ारे नज़र आते हैं। अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान को पहाड़ों के नाल नवाजे आए बड़िया बड़िया खूबसूरत तरीन वादियों के नाल नवाजे आए लेकिन अफसोस मेरे भाइयों ते मेरे दोस्तों इस मुल्क नु साडे हुक्मरानों ने खत्म कर छोड़ा इस मुल्क नु लुट छोड़ा है इस मुल्क के पाकिस्तान बढ़िया सीधे अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिद होएगा लेकिन आज ताजदार ख़त्म नबूवत की ज़ात पे हमले किए जा रहे हैं। जेड़ा कानून पास होया है कि कादियानी गैर मुस्लिम इन मुसलमान नहीं किया जा सकता आज उन्होंने अपनी इबादत की इजाज़त दी जा रही है। मैं दुआ करना और थोड़े को दुआ कराना चाहना दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे मुल्क के पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा अदा फरमा। दोस्तान ग्रामी हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम का गुजर पे आउंदा है आप पहाड़ों चो गुजरते पे ने वेख्या है एक सोना जिहा पत्थर है बड़ा गोल और बड़ी सोहनी शक्ल वाला है हैरान हो गए अर्ज की मौला केड़ा सोना पत्थर बढ़ाया ही फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर ईसा अलैहि सलातो व सलाम ऐ मेरी कुदरत का नज़ारा नजर आया है तुसी मंजर वेखे आए भला लगे आए अच्छा लगे आए जरा अगे चल के वेखो ना जेड़ा अपने हाथ के अंदर डंडा पकड़े आए ऐ ईसा असा पकड़े आए पत्थर नु मारो मेरी कुदरत का एक और नज़ारा नजर आएगा। हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम ने असा मारिया पत्थर टोटे हो गया उसके अंदर एक सफेद रीश बाबा नजर आया है रब कादिर करीमे कर सकता है जेड़ा पहाड़ों के अंदर चूटियों को रिज पहुंचा सकता है पत्थर के अंदर बंदियों को भी बिठा सकता है। हजरत ईसा अले सलात व सलाम ने मंजर देखा हैरान हो गए ने आपने पूछा बाबा इत की पिया करना है कहते मैं 400 साल हो गया है इस जगह पर बैठा हुआ पत्थर बंद है अल्लाह की इबादत पिया करता वहाँ हाथ के अंदर उगूर का खोशा भी लिया हुआ है मैं ये तनावल करता रहना वहाँ। हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम हैरान होए और परेशान होए कि एक पत्थर के अंदर 400 साल हो गए ने ये अल्लाह ला पिया करता है रब रिज भी बुझा रहा है। दोस्तों ते मेरे भाई हो तेरे मरे वास्ते सोचण का मकाम है जड़ा बंदा तेन मनु 10,000-20,000 रुपया तनख्वाह देता है अगर उसको तू तो मैं सुबह भी सलाम कर रहे हैं शाम को वापस आने भी सलाम कर रहे हैं जड़ा सुबह भी रिज्क देता है फिर दोपहर भी रिज्क देता है शाम को भी रिज्क पहुँचा देता है कहते उस रब की बारगाह के अंदर भी सलाम करया कर झुकया कर। हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम सोचते पे ने अल करते ने करीम अल्लाह अगर 400 साल की इबादत करने वाला और पत्थर के अंदर इबादत करने वाला और पत्थर के अंदर तू रिस्क पहुँचा रहा है बहुत बड़ा नेकोकार है इस तो बड़ा तो कोई नेकोकार नहीं होएगा। आवाज आई प्यारे ईसा नहीं नहीं हैरान ना हो मैं अपना एक नबी बनाया है जेड़ा तेरे तो बाद आएगा उसनों एक उम्मत अदा फरमावगा और अपने महबूब को एक रात देंगा और रात केड़ी होएगी शबे बरात दी रात होएगी 15 शाबान दी रात होएगी। फरमाया ऐ ईसा अगर मेरे महबूब की उम्मत अगर मेरे महबूब के गुलाम इस रात को जाग लेंगे दो रकात नमाज नफल अदा कर लेंगे उसकी 400 साल की इबादत एक पास इन दे दो नफल का सवाब मैं ज्यादा अदा फरमा देंगा। आओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रहमत नु याद करिए हुजूर दी रहमत नु याद करिए ते फिर कहिए रहमत मेरे हुजूर दी वाजा बीमार दी।
मेरे नाल मिल के पढ़ना है, अल्लाह की रहमत के तलबगार होके पढ़ना है, हुजूर की रहमत नूरी नजर शफकत के तलबगार होके पढ़ना है, रहमत मेरे हुजूर दी हो आजा बीमार दी। अल्लाह का कुरान कहता है लगद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रहमत मेरे हुजूर हुआ जा बीमार ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما। رحمة میرے حضور دی आजा बीमार दी, रहमत मेरे हुजूर दी आजा बीमार दी, आजा आजा गुनाहगारा मैं तेनू बख्शा लवा, आजा आजा गुनाहगारा तेनू बख्शा लवा। माशाल्लाह।